तो आइए, स्वागत है आपका बिंदु सिंह सीरीज के तीसरे भाग में। बिंदु सिंह के जहानाबाद गांव पर आने के बाद भारतीय सेना ने अपनी कार्रवाई में बिंदु सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, लेकिन बिंदु किसी के हाथ नहीं लगा। माओवादियों से लड़ने के लिए 5 लोगों ने मिलकर एक गैंग बनाई, जिसमें 2 भाई बिंदु सिंह और टेकन सिंह, एक उदय सिंह, एक उमेसर और एक कौशल सिंह थे। अड्डा बना जहानाबाद से 15 किलोमीटर दूर पटना जिला में आने वाला क्षेत्र मसौढ़ी। माओवादियों से छिड़ी अदावत की वजह से ये सभी लोग मसौढ़ी में ही अपने एक मारवाड़ी मित्र मुन्ना के यहाँ रहते थे। उस वक्त माओवादियों से सबसे ज्यादा खतरा मोकर के उदय सिंह को था, जिनका ये बाकी चारों समर्थन करते थे। एक तरह से कहें तो उदय सिंह इस पूरे गैंग के लीडर थे और बिंदु उन्हें उदय भैया कहकर बुलाते थे। बिंदु सिंह और उमेसर हम उम्र थे, उदय सिंह और कौशल इन लोगों में सीनियर थे, फेकन बीच के थे। माओवादियों के निशाने पर होने की वजह से उदय सिंह ज्यादातर मुन्ना मारवाड़ी के घर पर ही रहते थे। असल में मुन्ना की छज्जे की लड़ाई बगल के एक पंडित जी से चल रही थी, जिनका समर्थन करके इन लोगों ने उसका छज्जा बनवा दिया था, जो पंडित जी नहीं चाहते थे बनने देना। उस वक्त 2-पहिया वाहन का भी बहुत महत्व हुआ करता था। पूरे गैंग में एक ही स्कूटर था, मुन्ना का। मुन्ना ने स्कूटर बेच दिया और खरीदने वाला कौशल सिंह के बड़े भाई शशि सिंह। वो एक कहावत है ना कि विनाश काल है विपरीत बुद्धि। मुन्ना जब स्कूटर बेचकर घर आया तो उदय सिंह ने उससे पूछा कि स्कूटर कहाँ है, जिस पर मुन्ना ने कहा बेच दिया। उदय सिंह गुस्से में बोलने लगे, तो चढ़ेंगे क्या पर, और उसे गाली गलौज करने लगे। बिना पूछे कैसे बेच दिया, अब क्या पर चढ़ेंगे, कौन बोला था बेचने, वगैरह वगैरह। अभी जाकर स्कूटर लेकर आओ, जबकि उन्हें यह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आखिर वो स्कूटर अपने ही बीच में किसी ने लिया था, उसी टीम में रह जाता। लेकिन उदय सिंह के डर से मुन्ना स्कूटर मांगने शशि सिंह के पास चला गया। शशि सिंह ने स्कूटर वापस देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि मैंने खरीद लिया है तो अब वापस तो नहीं करूंगा। जब इस बात की जानकारी कौशल सिंह को हुई कि स्कूटर बेचने के लिए उदय सिंह ने मुन्ना को गाली गलौज किया है, तो कौशल सिंह मसौढ़ी चले आए और आकर उदय सिंह को उनके पिताजी का नाम लेकर कहा कि क्या रे इंदिरा वाला, एक स्कूटर के लिए तू मुन्ना को गाली गलौज किया है। जिस पर उदय सिंह ने भी वापस पलट कर कौशल सिंह के पिता का नाम लेते हुए गाली दी। यहां से ही थोड़ा मनमुटाव शुरू हो गया। मुन्ना के घर का छज्जा बनवाने में ज्यादा हाथ कौशल सिंह का ही था, जिस रात में उदय सिंह ने गिरवा दिया। अब इससे बात तो बढ़नी ही थी। जब कौशल सिंह को इसकी जानकारी लगी तो वो फिर से मसौढ़ी पहुंचे और उन्होंने उदय सिंह से पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उदय सिंह का जवाब आया, मेरा मन। बिंदु सिंह मखदुमपुर एक पंडित जी के लड़के को मैट्रिक की परीक्षा दिलवाने गए हुए थे जिस वक्त ये सब घटना घट रही थी। रात को ही फेकन सिंह जीप से मखदुमपुर बिंदु सिंह के पास पहुंचे और हड़बड़ाते हुए यह कहा कि बिंदु बिंदु, कौशल भैया और उदय भैया में टेंशन हो गया है। बिंदु सिंह को विश्वास नहीं हुआ। बिंदु क्या, पूरा बिहार में जहां जहां लोग जानते थे, उनको पता था कि उनके लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि इनके बीच आपस में फूट हो सकता है। इतनी एकता थी इन लोगों के बीच। ठीक वैसे ही बिंदु सिंह को भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने फेकन सिंह से कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या जी। फेकन ने कहा, तो मैं झूठ बोल रहा हूं, गोली चला कल ही तो। बिंदु ने कहा, तो अब। जिस पर फेकन सिंह ने कहा, उपाय लगाओ। बिंदु ने कहा, ठीक है चलिए। दोनों उसी जीप में रात को ही मसौढ़ी चल दिए। असल में जीप तरेगना के ही इनके मित्र प्रमोद की थी। तरेगना वही जगह है जहां महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी। जी हाँ, उन्हीं आर्यभट्ट की, जिन्होंने गणित के सबसे महत्वपूर्ण अंक 0 का आविष्कार किया था। क्योंकि बिंदु सिंह अच्छे लड़वैया थे, इसलिए उनकी बात सभी मानते थे।
एक बजे रात को ही ये लोग मसौढ़ी पहुंच गए। एक घंटा दोनों भाई बैठकर आपस में विचार विमर्श किए कि अब आगे क्या करना है। अगर इस बात की खबर नक्सलियों को लग गई तो भारी आफत आ जाएगी। 3 बज गया। कुछ देर ये लोग आराम किए और सुबह आकर उदय सिंह से उन्होंने कहा कि क्या भैया, ये सब क्या चल रहा है? अब क्योंकि बिंदु छोटे थे तो उदय इनको तुम तड़ाक भी कर दिया करते थे, कभी कभी साला ससुरा भी कर देते थे। उदय सिंह ने बिंदु से कहा कि हमसे रे साला तुम्ही को ज्यादा बुझाता है। जिस पर बिंदु ने उदय सिंह से कहा कि देखिए भैया, आप भी बड़े आदमी हैं और वो भी बड़े आदमी हैं, अगर आप लोग इसी तरीके से लड़ते रहिएगा तो हम दोनों भाई साथ छोड़ देंगे। आप लोग अपना गैंग बनाइएगा, हम लोग अपना गैंग बनाएंगे, लेकिन आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे। इन लोगों के मन में तब तक ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उदय सिंह को ऐसा लगने लगा था कि दोनों सोनभद्रिया भूमिहार एक हो जाएगा, न कि मेरे तरफ आएगा। बिंदु सिंह और कौशल सिंह दोनों सोनभद्रिया भूमिहार थे। सोनभद्र भूमिहार बहुत कड़ा बाभन होता है। लड़ाके भूमिहारों की श्रेणी में इन्हें सबसे अव्वल दर्जा दिया जाता है। इन लोगों को समझा बुझाकर बिंदु फिर मखदुमपुर लौट गए। तरेगना के एक SDO थे, भूमिहार ही थे, काफी दिनों पर बच्चा होने की वजह से हेकन सिंह को उन्होंने प्रोग्राम करने को कहा। उनका कहना था कि इतने सालों बाद मेरे घर में किलकारी गूंजी है तो नाच गाना तो होना ही चाहिए। बिंदु सिंह को बिना बताए 3-4 लोगों के साथ जाकर गया से फेकन सिंह 2 तवायफों को ले आए। उस वक्त नाचने गाने का काम तवायफें ही किया करते थे। उस जमाने में जब नाच ठीक किया जाता था तो वह औरत जो नाचने आई है उसका प्रतिष्ठा देखने का काम नाच ठीक करने वालों का होता था। उदय सिंह साथ रहने के कारण सारी प्रक्रिया को जान रहे थे कि कौन क्या कर सकता है और कौन क्या करेगा। उदय सिंह ने बिना निमंत्रण कुछ कुर्मी के लड़कों को बहकाकर नाच डिस्टर्ब करने के लिए महफिल में भेज दिया, जहां फेकन सिंह नाच का आयोजन करवा रहे थे। वह जानते थे कि नाच डिस्टर्ब होगा तो फेकन सिंह गर्म होंगे, और अगर फेकन सिंह गर्म हुए तो गोली चलेगी। जब महफिल जमने लगती तो पीछे से वो लड़के नाचने वालियों के आंख पर कमांडर टॉर्च से रोशनी कर देते, जिससे नाच रुक जाए। जब 2-4 बार ऐसा हुआ तो फेकन सिंह गर्म हुए। खींचते हुए वह चिल्लाते, कौन कर रहा है, यह सब बहुत गलत बात है। लेकिन क्योंकि इतनी भीड़ में पीछे से यह पता लगाना मुश्किल हो जा रहा था, फेकन सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी को लड़ना है तो सामने आकर लड़ो, और यह कहते हुए उन्होंने 2 राउंड गोलियां शामियाने में चला दी। उधर से भी फायरिंग हुई और लोगों ने फेकन सिंह को चैलेंज कर दिया, यह कहते हुए कि देखते हैं कल सुबह पाई जी कैसे जाती है, नहीं जाने दूंगा। यह सब तरेगना मसौढ़ी में हो रहा था। फेकन सिंह दोबारा जीप खोले, पाई जी लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखवाकर मखदुमपुर पहुंचे बिंदु सिंह के पास। वृतांत में बिंदु सिंह को यह घटना सुनाई और कहा कि बिंदु देखो ना, रात को ऐसा ऐसा टेंशन हो गया है और उन लोगों ने चैलेंज कर दिया है, अब बात इज्जत पर है। क्योंकि बाजार पूरा कुर्मी का था, इसलिए फेकन सिंह उन तवायफों की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित थे। बिंदु सिंह इस पर खींचते हुए बोले, हम लोगों को अब यही काम रह गया है ना, रंडी पतुरिया को लाना और पहुंचाना। फेकन ने कहा कि क्या करें भाई, अब प्रतिष्ठा का सवाल है, लाया तो मैं हूं। बिंदु ने कहा ठीक है, फिर चलिए। अब बड़े भाई की बात है, बिंदु सिंह और फेकन सिंह के बीच आपस में बहुत प्यार था। साथ में नाच नचवाना, साथ में ही शराब पीना, फायरिंग करना, यहाँ तक कि आपस में पटका पटकी भी करना। बिंदु सिंह का पहुंचना था और चैलेंज धरा का धरा रह गया। किसी की आगे से आने की हिम्मत नहीं। जीप पर दोनों भाई आगे बैठ गए और पीछे पाई जी और गाने बजाने वाले। सभी लोगों को सही सलामत मखदुमपुर तक पहुँचा दिया गया। उसके बाद बिंदु ने कहा
कि आप अब लौट जाइए या लोग यहाँ से चले जाएंगे, और आज अंतिम परीक्षा है तो हम परीक्षा दिलवा कर ही वापस आएंगे। फेगन सिंह वहां से लौट गया। उस वक्त मर्दों के लिए छोटा हैंडबैग चला हुआ था जिसमें फेगन सिंह अपना स्मिथ का रिवॉल्वर रखते थे। गांव में दोनों भाई राइफल रखा करते थे, लेकिन जब टाउन में जाना होता था तो बिंदु सिंह राइफल और फेगन सिंह रिवॉल्वर रखा करते थे। बता दें कि फेगन का स्मिथ का रिवॉल्वर लाइसेंसी नहीं था। उदय सिंह के मंसूबों पर जब पानी फिर गया तो उन्होंने फेगन को बेइज्जत करने का एक दूसरा तरकीब सोचा। उस दिन किसी कारणवश पुलिस की कड़ी चेकिंग थी, तो किसी ने फेगन सिंह को रास्ते में ही स्टेशन पर सूचित कर दिया कि देखिएगा पुलिस की चेकिंग है बहुत। लोग जानते थे कि फेगन हथियार रखते हैं अपने साथ। एक परिचित पान दुकान था, वहीं पर फेगन ने अपना बैग रख दिया। उदय सिंह जहां रहते थे वहां जाने का दो रास्ता था। जब फेगन रास्ते से गुजर रहे थे तो उन पांचों कुर्मी के लड़कों ने उन्हें घेर लिया और इन पर चार पांच खूंसे चला दिए। फेगन सिंह बिंदु सिंह को कोई गोली मार दे सकता था, लेकिन कोई गाली या हाथ नहीं चला सकता, क्योंकि उसके बाद कोई जिंदा बच जाए यह संभव नहीं था। यह पूरा जिला जवार जानता था। दूसरे रास्ते से घूमकर जब उदय सिंह के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पांचों लड़के वहीं उदय सिंह के दरवाजे पर बैठे हुए हैं और उदय सिंह का राइफल वहीं भटकाया हुआ है। फेगन चाहते थे कि उन लोगों को यहीं पर गोली मार दें, और जो ही फेगन अंदर जाकर उदय सिंह का राइफल उठाना चाहते हैं, उदय सिंह बोलते हैं, फेगन राइफल रखो और कौशल के पास जाओ। अभी तक लोग यही समझ रहे थे कि उदय सिंह साथ ही हैं, एक ही गैंग में, लेकिन इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह सब उदय सिंह का करवाया हुआ था, और अब खुलकर ऐलान जंग हो गया जो खत्म हुआ उदय सिंह की जान लेकर। अगले एपिसोड में बताएंगे कैसे गई उदय सिंह की जान, ठीक उसी दिन सुबह 6 बजे जिस दिन इंदिरा गांधी मारी गई थी।